मीटर देख लेते हैं कितना मतलब डलवा रहा है, 100 का डलवा रहा है तो 100 का मतलब अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें मीटर में रीडिंग में, और कितना पॉइंट मिल रहा है पेट्रोल ही चेक कर लेते हैं बस, बाकी तो पता नहीं क्या है करते हैं पेट्रोल वाले, तो माया भगवान ही जाने। हाँ कंट्रोल तो सभी दूर होना ही चाहिए ना सर, एक बार सुपरविजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि अंदर क्या है क्या मालूम, हम तो बाहर से भरा के चले जाते, पेट्रोल पंप में तो ये होता ही है ना। देखिए किसी किसी पेट्रोल पंप में भराने के बाद ज़्यादा चलता है, किसी में कम चलता है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम ही, ध्यान रखने का मौका ही नहीं देते ये लोग, क्योंकि पीछे तरह भरा पेट्रोल चलो होता है, बिल्कुल होता है, अगर आपने एक सेकंड के लिए भी मतलब थोड़ा वहाँ से नज़र हटाई तो ये लोग कभी कभी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मेरे साथ भी 2-3 बार हुआ है, तो आपने जैसे अगर ध्यान इधर किया तो मतलब वो हटा देंगे, बोले हो गया पेट्रोल, वहाँ से स्क्रीन ही हट जाती है, कभी कभी मतलब स्क्रीन हट जाएगी, आपने अगर 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया तो आपको 100 रुपये दिखना चाहिए वहाँ पर, लेकिन वो कभी कभी हट जाता है, बोले हो गया पेट्रोल, नहीं मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने एक सेकंड के लिए आप और कहाँ देखोगे, इधर उधर देखा आपने और एकदम सडनली स्क्रीन गायब हो जाती है, बोले हो गया पेट्रोल, तो होता है कई बार होता है बट ऐसा हर बार नहीं होता। पेट्रोल मतलब हम हर पेट्रोल पंप पे जाते नहीं है, यहाँ का विश्वास है इस पेट्रोल पंप पे, सही नाप होता है, पेट्रोल सही होता है, कोशिश करके या तो पुलिस पेट्रोल पंप पे या यहीं आने का प्रयास करते हैं हम लोग ताकि सही माल मिले। पेट्रोल देखते समय अपन जीरो अपना डिजिट होता है, जीरो जीरो करते हैं, और हमने जो पैसे दिए 50 रुपये दिए तो 50 रुपये उसने क्लियर किए के लिए वो देखते हैं और उसके अनुसार पेट्रोल डालते हैं, जैसे वो क्लच दबाते हैं पेट्रोल का तो वैसे वैसे बढ़ती जाती है, तो हमारे अंदर जो डला हुआ है वहाँ से जो निकल रहा है पेट्रोल की पंप से उसे पता चलता है कि हमारा हाथ सही भरा है, और हम एक ही पेट्रोल पंप से डलाते हैं। ये जो चिप लगा के अभी उत्तर प्रदेश का मामला आया है ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी प्रार्थना करता हूँ और इसकी निंदा करता हूँ, इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ठीक है अगर आपको जितना पैसा मिल रहा है उसी में अपना काम चलाएं, अन्यथा धंधा बंद कर दें,